तो ये यहाँ की गार्डन है, छोटी सी पार्क। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? और भगवान के आशीर्वाद से सभी ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज फिर से एक नए दिन शुरू हो चुकी है और आज थोड़ी बारिश रुकी हुई है, तो इसीलिए मैं ये पार्क में आई हूँ। यहाँ पे है बच्चों की खेलने की जगह। अभी बारिश के कारण कोई बच्चा है नहीं। पानी पानी। और बहुत ही बड़ी एरिया है पार्क की। इस यूज बहुत देरी छो, बहुत ही बड़ी एरिया है पार्क की एरिया। और ये कौन सी पेड़ है? पूरा काटा काटा सा था। और ये देखिए, ये कौन सी पेड़ है मुझे तो पता नहीं। और इसमें देखिए काटे काटे है। मैंने तो कभी तक ऐसा पेड़ नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। पत्ता ऐसी होती है देखने में। क्या होला ये तो काटा काटा बनाएको त होइन। ये फूल गाछी हो, से तो फूल पकड़ने। म त सोचे यो बास्केटबल खेल्नको लागि हो कि भनेको। होइन, तर खेल्ने जग्गै हो। यो के हो? यो के गाछी हो? ये भी बहुत सुन्दर है, पता नहीं क्या का है लेकिन बहुत ही सुन्दर है। पाम ट्री नहीं। ये नाइट जस्मिन, ये सब पे लगे। वो तुलसी यो पनि तुलसी होला। ऊ त्यो ऊ त्यो ठुलो और यहाँ शायद बच्चों खेलते होंगे। बच्चों की खेलने की जगह होगा ये। और मैं कभी ऐसी सोसाइटी में नहीं गई हूँ, क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ सभी का अपना अपना घर होता है। और फर्स्ट टाइम मैं ऐसी वाली सोसाइटी में आई हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसीलिए शायद मेरी बेटी हमेशा बोलती है फ्लैट में चलो, फ्लैट में चलो, वहाँ बैठना है। अभी जाके पता चला फ्लैट कैसी होती है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। चारों तरफ से बंद, खुली खुली ही अच्छा लगता है। ऐसे फ्लैट में बैठने से तो हम पागल हो जाएंगे। कोई आदमी नहीं, किसी से बात नहीं, चुपचाप से अपना घर में, अपना रूम में, वो भी घर नहीं अपना रूम में बैठना, ऐसा तो मुझसे होगा ही नहीं। तो साफ सफाई हो रही है। जम यहाँ कोई फ्रूट को गाछी लगाए के बार हम देखें थे नहीं। कम से कम मानसले खाना तो सब थे। ये तो राम देखने को लगी मतलब। यहाँ पे ये नहीं लगा के फ्रूट लगाने से तो बच्चे भी खा सकते थे, सभी के लिए अच्छा होना था। शायद ये सजाने के लिए ऐसे रखा है। ये तो तुलसी है ना, मैं तो अगे तुलसी वाला बन गए। तो खुर्सानी का गाँची है सर।
ना फूल हो सेतो फूल दूध फूल भन्छ के हामीले त धनिया हो ना के हो यो यो सौप होला है सौप ऐसे देखने में तो अच्छा ही है सोसाइटी अच्छा ही लगता है लेकिन रहने के लिए तो मुझे अच्छा नहीं लगा कोई किसी से बातें ना करना चुपचाप से अपना रूम में बैठना ये सब तो अच्छा नहीं लगता उयो होइन भगवानको मन्दिर खुल्ला छैन यहाँ भी बैठने की जगह है और आज हम सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए पता नहीं क्या होगा जा पाएंगे या नहीं बहन तो बोल रही थी उसकी शादी के लिए कुछ सामान खरीदना है तो सोचा जाएंगे लेकिन बारिश होने से तो जा भी नहीं पाएंगे और वहां पे है श्री राम जी का मंदिर राम मंदिर तो अभी कोविड के कारण बंद है ये सोसाइटी का मंदिर होगा और वहां से देखने से तो देखिए जहां तहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहना तो मुझे डर ही लगता है त्यो फ्ल्याट रो ठिक छ सानो सानो छ नि यो ठिक छ अँ त्यो ठिक छ फेरि यिनीहरू त बहुत लामो लामो यो त रबर ट्री होला है त यत्तिकै इस्कुसको होला है यो नि इस्कुसको जस्तो लाग्छ आफ्नो बगान होला नि त्यही भएर इस्कुस लगाएछ पानी नपाएर त्यस्तो भएको होला नि थाहा छैन सबै येल्लो भएछ कति गर्ने होला बुद्धको त यतातिर गएर भयो तो अभी फिर से हम अन्दर चलते हैं घर में धूप लगने से ठीक था तो चलिए अभी चलते हैं हम 16 फ्लोर पे जाएंगे और वहाँ से आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगी तो चलिए हम सब मिलके 16 फ्लोर पे चलते हैं और यहाँ हम आए हैं 16 फ्लोर पे और यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ यहाँ से बहुत ही सुंदर नज़ारा है
और यहाँ से नीचे देखिए, जो मैंने आपको सुबह दिखाया था ये नीचे है। यहाँ से मैं गई थी, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और ठंड के कारण मेरा पूरा गला खराब है। यहाँ से बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और हम हैं यहाँ 16 फ्लोर पे है, और इससे भी ऊंची है ये बिल्डिंग, इससे भी बहुत ऊंची है। और वहाँ से क्या दिखता है मैं आपको दिखाती, चलिए। हाँ यहाँ से क्या दिखता है, यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो शायद होगा। हाँ यहाँ से, वहाँ पे मैं सुबह गई थी, जो मैंने आपको दिखाया था पार्क है बोल के, वो साइड से जाना पड़ता है पार्क, वहाँ पे है पार्क। नानी ओखान का ना पार्क, ओखान का पार्क। और यहाँ से ऐसी नज़ारा है, वहाँ पे पार्क, वहाँ तो और भी सुंदर है, वो एरिया तो और भी सुंदर है। पिंकी इकना इकना जे सुंदर देख देख जे सुंदर इकना, यहाँ तो और भी सुंदर है। हमारी भी यहाँ की एरिया बहुत सुंदर है, इससे और भी सुंदर वहाँ है। ये वाला सोसाइटी हाँ, ये सोसाइटी तो सुंदर बेसि नानी। तो चलिए अभी घर चलते हैं, खाना खाना है। कता उता राम रसा हो और देखिए इतनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ से, मतलब इतनी ऊपर रहने से तो हो गई, और भी अच्छी अच्छी सोसाइटी, बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो अभी हम नीचे चलते हैं और जाके अभी खाना भी खाना है। के? और मुझे तो जाने का दिल ही नहीं है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ, बाय। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपना और अपना परिवार का अच्छा से ध्यान रखे और हमेशा खुश रहे। और यहाँ अभी हम संतरा खाएंगे, यहाँ जेठी संतरा दिखा रही है। देखिए कितनी बड़ी है संतरा भी। और यहाँ मेरा वीडियो चल रहा है, और वहाँ दूसरे रूम में ससुर और दामाद दोनों सो रहे हैं। उनको तो सिर्फ सोना ही है।